एक अंग्रेजी फिल्म का फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ताकत मिलने पर आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और इसीलिए तो गांधी परिवार के वंशज, चार बार के सांसद और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो जिम्मेदारी से बोलना अभी तक नहीं सीख पाए। 2019 के चुनावों के दौरान तो ऐसा लगा कि उनकी जुबान ने उनके दिमाग का साथ देना ही छोड़ दिया है, और अपोनेंट्स को टारगेट करने के चक्कर में उनकी जुबान से निकले शब्दों ने उनकी सांसदी छीन ली। आखिर क्यों नहीं सुधरते राहुल गांधी? आज हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 30,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकालकर उसकी जेब में, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? जुबान से निकले ये वही शब्द हैं जिन्होंने आज राहुल को अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पॉलिटिक्स में अपोनेंट्स पर शब्दों के तीखे बाण चलाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूरे ओबीसी कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इनकी इस हरकत को अपराध मानते हुए सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। वैसे कई लोगों ने माना कि गुनाह इतना बड़ा भी नहीं था कि 2 साल की सजा सुना दी जाए, लेकिन चलिए गुनाह अगर छोटा भी था तो उन्हें अब वो क्यों भारी पड़ने वाला है वो आपको बताते हैं। लोअर कोर्ट के बाद अब इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल को कोई राहत देने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राहुल की सजा एकदम माकूल सजा है, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि सजा पर रोक लगाई जाए, और ऐसा कहकर राहुल की पिटीशन डिसमिस कर दी। लेकिन सबसे अनोखी बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि राहुल के खिलाफ इसी किस्म के 10 मामले और भी चल रहे हैं, और ऐसे में उन्हें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। तो क्या कोर्ट ये कहना चाहती थी कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो अक्सर अपनी जुबान पर लगाम लगाना भूल जाते हैं, और विरोध की धुनकी में वो बेसिर पैर की बातें बोल जाते हैं? तो हम आपको बता दें कि कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन यूं ही नहीं था। राहुल पास्ट में भी कई बार ऐसी बातें बोल गए हैं जो बैकफायर कर गई हैं। 2019 के चुनाव में राफेल डील को लेकर आक्रामक हो रहे राहुल ने मोदी को चोर कहकर संबोधित किया, तो चुनाव में कांग्रेस ने मुंह की खाई और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2014 के चुनाव के दौरान भी आरएसएस को गांधी का हत्यारा बता दिया था, वो मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में भी वो अपशब्द बोल चुके हैं, उस मामले में भी उन पर मुकदमा चल ही रहा है। खैर, ये तो वो एग्जांपल्स हैं जब राहुल अपोनेंट्स को टारगेट करते हुए खुद टारगेट हो गए, लेकिन उनकी जुबान से दिमाग का कनेक्शन अक्सर टूट जाता है। ये इस बात से पता चलता है कि वो अपनी कई स्पीचेस को लेकर मजाक का विषय बन जाते हैं। कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, टी शर्ट करके मामा ने डांट मार दी मुझे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत GST लागू की थी क्या? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अब अपनी हरकतों की वजह से राहुल का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद उनके पास हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। लेकिन जरा सोचिए, आने वाले साल भर में अगर उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं आता तो 2024 के चुनाव वो लड़ नहीं पाएंगे, और पीएम बनने की उनकी हसरत सिर्फ हसरत बनकर रह जाएगी। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि राहुल को ऐसी स्पीचेस सुझाने वाले उनके सलाहकार आखिर कौन हैं जो उनसे इस किस्म की गुस्ताखियां करवाते रहते हैं ताकि कॉन्ट्रोवर्सीज के दलदल से वो कभी बाहर ही ना आ सके। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।